दोस्तों नमस्कार। देश में चुनावी सीजन चल रहा है, जिस पर आने वाले 3 या 4 दिन के अंदर मान लें कि 8 दिसंबर को विराम लग जाएगा। 4 तारीख को यानी कि कल दिल्ली नगर निगम के लिए मतदान होगा और 5 तारीख को यानी कि परसों गुजरात के अंदर दूसरे चरण का मतदान होगा। 7 दिसंबर को दिल्ली नगर निगम के चुनावों के वोट गिने जाएंगे, दिल्ली नगर निगम की सरकार बन जाएगी और 8 तारीख को गुजरात और हिमाचल प्रदेश के वोटों की गिनती होगी, वहां की सरकारें बन जाएंगी। इस चुनावी सीजन के बीच में कांग्रेस के मुखिया कहें, कांग्रेस के युवराज कहें या कांग्रेस के कर्णधार कहें, राहुल गांधी देश को जोड़ने के लिए निकले हुए हैं। आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव में राहुल गांधी की एंट्री भी नहीं हुई और गुजरात के अंदर वो एक जनसभा करके चले गए। दिल्ली नगर निगम के अंदर राहुल बाबा के दर्शन नहीं हुए। यानी कि जब चुनावी सीजन चल रहा है, प्रधानमंत्री से लेकर के दूसरी विपक्षी पार्टियों के नेता इस समय गुजरात और दिल्ली के अंदर अपना पसीना बहा रहे हैं, तो राहुल गांधी भारत को जोड़ रहे हैं। लोग यह भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी भारत कैसे जोड़ेंगे जब कांग्रेस ही टूट रही है। सवाल तो वाजिब है। बात कर रहे हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की चल रही गुटबाजी की। जब हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की बात करेंगे तो इसके साथ साथ आपके साथ छोटी सी चर्चा राजस्थान कांग्रेस की भी करेंगे। पहले बात हरियाणा की। दोस्तों हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले 8 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। 2014 के विधानसभा चुनाव में 10 साल के बाद में कांग्रेस की रुखसती हुई थी और उसके बाद से मान लें कि कांग्रेस के अंदर एक जो कहावत, एक मुहावरा आपने सुना होगा कि जूतियों में दाल मटना, तो कांग्रेस के अंदर पिछले 8 साल से वही कहावत सटीक बैठ रही है कि कांग्रेस में जूतियों में दाल मट रही है। अगर देखा जाए तो लोग प्रदेश के अंदर इस समय सत्ता पक्ष में कोई बहुत बड़ा माहौल नहीं है, लेकिन उस माहौल को भुना पाने में कांग्रेस वाले कामयाब भी नहीं हो पा रहे। जो लोग राजनीति में रुचि रखते हैं वो बड़े करीब से जानते होंगे कि इन पिछले 8 साल में कांग्रेस के अंदर 3 प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं। सबसे पहले अशोक तंवर कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के, जो आजकल आम आदमी पार्टी की झाड़ू चला रहे हैं। दूसरी कुमारी शैलजा थी जो प्रदेश अध्यक्ष रही और उसके बाद में उनको हटा दिया गया, ना राज्यसभा की कुर्सी मिली ना कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रही। आजकल मान लें तो कुमारी शैलजा कांग्रेस के अंदर एक तरह से हाशिए पर हैं। और उसके बाद में आजकल प्रदेश अध्यक्ष हैं उदयभान, जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफ़ी नज़दीकी हैं। मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ जिस बात का, कि वो यह है कि उदयभान जी को बने हुए लगभग 7 महीने 8 महीने से अधिक का समय हो गया, लेकिन आज तक उनका भी कार्यशैली वही है जो 8 साल से कांग्रेस की चली आ रही है, यानी कि कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा तक नहीं बन पाया। अशोक तंवर जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे तो उस समय कांग्रेस के अंदर न जिलों के अध्यक्ष बने थे न क्षेत्रीय अध्यक्ष बने थे, यानी कि कांग्रेस की कमेटी नहीं बनी थी। उसके बाद में कुमारी शैलजा काफ़ी दिन तक प्रदेश अध्यक्ष रहीं और प्रदेश अध्यक्ष उनके रहते हुए भी कांग्रेस की कमेटी नहीं बन पाई। अब उदयभान जी प्रदेश अध्यक्ष हैं तो कांग्रेस की कमेटी आज भी नहीं बन रही। बात यह कि जब इस प्रकार से इनके अंदर दरार रहेंगी तो आखिर कैसे ये प्रदेश की सत्ता के मुहाने तक पहुँचेंगे। आपको पिछले दिनों हमने एक इंटरव्यू में दिखाया था कि कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं करण सिंह दलाल, और उनका दर्द उभर कर सामने आया था कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस का कैडर ना होने की वजह से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जब आदमपुर उपचुनाव हुआ उसके बाद में कांग्रेसियों के अंदर जो जवानी जंग चली वो देखने और सुनने लायक थी। आदमपुर उपचुनाव से पहले जो एक और चुनाव हुआ था हरियाणा के अंदर राज्यसभा का, जिसके अंदर 2 सीटों पर चुनाव हुआ था, एक सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली थी और दूसरी सीट भारतीय जनता पार्टी समर्थित निर्दलीय को मिली थी। कार्तिकेय शर्मा चुनाव जीत गए थे, अजय माकन चुनाव हार गए थे। उस राज्यसभा के चुनाव के अंदर कुलदीप बिश्नोई तो पहले ही नाराज हो गए थे। एक वोट पर और संशय बना था कि एक वोट और किसी ने क्रॉस वोटिंग की है। उस क्रॉस वोटिंग का जो शक जताया गया था, जो आरोप लगा था, वो किरण चौधरी पर लगा था। हालांकि किरण चौधरी ने अपने तलक टिप्पणियों में इस बात का पटाक्षेप कर दिया था कि वो जो करती हैं वो खुलकर करती हैं। आदमपुर का उपचुनाव हुआ तो उसके बाद में इस प्रकार की बातें चली कि किरण चौधरी भाजपा में जा रही हैं। किरण चौधरी ने उसका भी विरोध किया। सोशल मीडिया से लेकर के अन्य सभी प्लेटफॉर्म पर किरण चौधरी ने यह कहा कि वो जो करती हैं खुलकर करती हैं। अब दोस्तों पिछले दिनों में आपने सुना होगा कि किरण चौधरी के खिलाफ में
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के बयान आए थे, उनके जवाब में किरण चौधरी के बयान आए थे, बाद में कांग्रेस आला कमान ने उसके अंदर हस्तक्षेप किया था। बताते हैं कि कांग्रेस आला कमान ने दोनों पक्षों को बुलाकर समझाया भी था और फटकारा भी था। उसके बाद में कुछ दिन शांति रही तो उसके बाद में किरण चौधरी की फिर तलक टिप्पणी आई भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को लेकर के। हालांकि अभी दो दिन पहले जब कांग्रेस की पंचकुला में एक बैठक हुई तो उसके अंदर कांग्रेस के सभी पक्ष एकजुट नजर आए, चाहे वो कुमारी शैलजा थी, चाहे वो किरण चौधरी थी, हालांकि रणदीप सुरजेवाला उस बैठक में नहीं थे, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, और सभी लोग जो थे वो उसमें एकजुट नजर आए। लेकिन वो जो एकजुटता थी वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जो अंतिम पड़ाव है वो हरियाणा से है और हरियाणा से वो दिल्ली में प्रवेश करेगी। नूह जिले के अंदर राजस्थान से हरियाणा के अंदर जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आएगी, यात्रा का जो रूट है उसको देखने के लिए दीपेंद्र हुड्डा और उदय भान ने दौरा भी किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद में क्या फिर कांग्रेसी उसी प्रकार नजर आएंगे? एक वानगी भर है कि पिछले दिनों राजस्थान प्रदेश के अंदर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की बैठक हुई। केसी वेणुगोपाल पहुंचे। केसी वेणुगोपाल ने सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोनों के हाथ उठा करके हम साथ साथ हैं, आपने वो जो स्टाइल देखा होगा, और उसके थोड़ी देर बाद अगले दिन अशोक गहलोत का एक तलख बयान फिर आ गया था। अब राजस्थान के अंदर भी कहा यह जा रहा है कि जो वो उनमें एकता दिखाई दे रही है वो राजस्थान के अंदर राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर देखी जा रही है। बात यह कि जब भारतीय जनता पार्टी जैसी मजबूत सत्ताधारी पार्टी आज देश के अंदर अपना परचम फहरा रही है, उससे निपटने के लिए, उससे चुनावी विसात पर लड़ाई लड़ने के लिए जिस प्रकार राहुल गांधी अगर आज देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, और भाजपा के बड़े नेता आपने सुना भी होगा कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये सत्ता पाओ यात्रा है। खैर जो भी हो, राजनीति के अंदर जो भी लोग किया करते हैं, सियासतदान जो भी किया करते हैं, उनका मूल उद्देश्य येन केन प्रक्रियण सत्ता में आना होता है। तो हम ये भी मान सकते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भारत को जानने के लिए तो होगी, इसके साथ साथ उनकी कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को मेन स्ट्रीम में लाने की भी होगी कि किस प्रकार से कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करे और किस प्रकार से कांग्रेस सत्ता में आई, किस प्रकार से 8 साल का राजनीतिक वनवास खत्म हो। लेकिन अगर इसी प्रकार से जिस प्रकार की कांग्रेस जन आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं, ऐसे में क्या कांग्रेस का सत्ता में वापसी आने का स्वप्न पूरा हो जाएगा? बड़ी बात यह है कि इस प्रकार के 20,000 किलोमीटर की लगभग लंबी भारत जोड़ो यात्रा निकालने के बाद भी अगर कांग्रेस यूं ही टूटी रहेगी, कांग्रेस में यूं ही टुकड़े होते रहेंगे, कांग्रेस के नेता आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, तो आखिर किस प्रकार से वो सत्ता के मुहाने तक पहुंच पाएंगे? दोस्तों, आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश के अंदर विधानसभा का चुनाव है। 2024 में हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होगा और 2023 के अंदर अंतिम नवंबर दिसंबर में राजस्थान के अंदर भी चुनाव है। दोनों प्रदेश ऐसे हैं जहां की कांग्रेस के अंदर कई गुट बने हुए हैं। अगर कांग्रेस ने इस गुटबाजी पर रोक नहीं लगाई, कांग्रेस ने इस गुटबाजी पर विराम नहीं लगाया, तो कांग्रेस का देश और प्रदेशों की सत्ता में आने का स्वप्न कहीं स्वप्न न रह जाए। जिस प्रकार से कांग्रेस जन दावे कर रहे हैं कि देश और प्रदेश की जनता अब कांग्रेस की तरफ निहार रही है, लेकिन अगर कांग्रेसी आपस में ही गुटों में बटे रह जाएंगे तो आखिर जनता कौन से गुट में जाएगी, देखना यह भी होगा। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हमने आपको कांग्रेस की जो अंतर कलह के बारे में बताया। आने वाले समय में देश और प्रदेश की राजनीतिक घटनाओं और राजनीतिक गतिविधियों पर आपसे चर्चा करते रहेंगे। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।